लारा दत्ता कहती हैं कि ये बहुत नई बात है कि एक्ट्रेसेस अपने 40 से 70 की एज में भी ऑन स्क्रीन रोल्स कर पा रही हैं। लारा को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कैसे मेल एक्टर्स अपने एज से कई यंग एज में कैरेक्टर्स करते नजर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने का कोई शौक नहीं है। लारा दत्ता के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि एक्ट्रेसेस को आज के टाइम में अपनी रियल एज के कैरेक्टर्स मिलते हैं, और वो कहती हैं कि ये और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले इंडियन सिनेमा में औरतों को एक सर्टेन एज से ज्यादा देखा जाता था उस टाइम पे कैरेक्टर्स अक्सर एक ही टाइप के होते थे, जो कि कोई कॉलेज गर्ल का कैरेक्टर होता था या फिर कोई 20 साल की लड़की का जिसको पहली बार प्यार होता था। कैरेक्टर्स के वेरिएशन सैक्रिफाइसिंग मदर, विकेड मदर इन लॉ एंड सफरिंग डॉक्टर इन लॉ तक ही लिमिटेड था, एंड देयर वाज नो रियल प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। उन्होंने बोला कि वो अपनी आने वाली फिल्म रणनीति में एक पॉलिटिशियन का रोल कर रही है, और इसके पहले लास्ट फिल्म बेल बॉटम में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का रोल किया था, विच वॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वुमेन। शी एडेड कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि आज वुमेन आर सीन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ स्क्रीन, चाहे वो पावरफुल वुमेन का कैरेक्टर हो या वल्नरेबल, एंड स्पेशली वुमेन कैन एक्ट देयर ओन एज, वेदर इट्स इन देयर 40s, 50s, 60s और 70s, और उनको अपनी एज से यंग कैरेक्टर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाल ही में शाहरुख खान ने डंकी और जवान में 30 साल का कैरेक्टर प्ले किया था, और उसी में सेम कैरेक्टर का ओल्डर वर्जन भी प्ले किया था। लारा दत्ता को आने वाली टाइम में रणनीति, बैलकॉट एंड बियॉन्ड में देखा जाएगा, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय संजय वानवा एंड कुमार संजय डब्लू फ्रॉम स्फीयर ओरिजिन्स मल्टीविजन प्राइवेट लिमिटेड। इस सीरीज की कास्ट बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स की है, दैट इंक्लूड जिमी शेरगिल, आशुतोष राणा एंड आशीष विद्यार्थी। इस वेब सीरीज के अलावा लारा दत्ता हैज एन इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग वेलकम टू द जंगल, सूर्यास्त एंड रामायण। सो लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।